नमस्कार दोस्तों, सक्सेस क्लास विद गौतम सर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज एक नए टॉपिक को लेकर के आया है, भारत पर मोहम्मद गोरी का आक्रमण। काफी आसान भाषा में बताने का प्रयास करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। भारत पर मोहम्मद गोरी का आक्रमण से एक क्वेश्चन आपका रहता है जो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहली बात, इसे हम कई छोटे छोटे टॉपिक में बांटने का काम किए हैं। पहला है महत्वपूर्ण तथ्य, तो ये मोहम्मद गोरी निवासी कहाँ का था? तो मोहम्मद गोरी निवासी था गोर प्रदेश का। मोहम्मद गोरी कहाँ का निवासी था? गोर प्रदेश का। और ये कौन सा वंश का शासक था? तो ये सस्नवी वंश का शासक था, सस्नवी वंश का। ये भारत में आया तो किस मार्ग से भारत में प्रवेश किया? तो भारत में आपने नाम सुना होगा गोमल दर्रा और खैबर दर्रा, है ना। तो ये आने का काम क्या था? गोमल दर्रा से, ठीक है। फिर आपका भारत पे प्रथम आक्रमण, तो भारत पे प्रथम आक्रमण आपका देखिए 1175 ईस्वी में मुल्तान पे किया था, ठीक है, 1175 में मुल्तान पे। फिर 1178 ईस्वी में देखिए इसने गुजरात पे आक्रमण किया था, और इस समय गुजरात का शासक था भीम द्वितीय। और भीम द्वितीय अपनी मां नायिका देवी के साथ मिल करके आपका देखिए मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था, ठीक है। यहाँ से पराजित होने के बाद ये आपका देखिए मोहम्मद गोरी भारत पे आक्रमण करने का प्रयास वो करता रहेगा और वो ये करने में इसको सफलता मिलेगा। तब जब ये आपका भारत के दो शासक, एक आपका है जैकी जयचंद और पृथ्वीराज चौहान, दोनों आपस में सीमा विवाद को लेकर के लड़ेगा। और इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए जैकी यानी जैकी आपको आमंत्रण करेगा, बुलावा देगा आपका है जैकी जयचंद मोहम्मद गोरी को। कहा जाता है भारत के कुछ गद्दारों का नाम लिया जाता है, उन गद्दारों में सबसे पहला नाम आता है जयचंद का। अगर ये जयचंद है कि मोहम्मद गोरी को ना बुलाता और भारत पे जाके हिंदू शासक का खात्मा नहीं होता, यानी अंतिम हिंदू शासक आपका पृथ्वीराज चौहान है, ठीक है। अब देखेंगे मोहम्मद गोरी के द्वारा लड़ा गया युद्ध। तो मोहम्मद गोरी के द्वारा लड़ा गया पहला युद्ध तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध, इसने दो युद्ध लड़ा, हालांकि तीन युद्ध होता तराइन में, लेकिन यहाँ मोहम्मद गोरी से दो ही युद्ध लड़ा था तराइन में। प्रथम ये तराइन का युद्ध 1191 में, प्रथम तराइन का युद्ध हुआ 1191 में। ये लड़ा गया पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें आपका पृथ्वीराज चौहान जीत गया और मोहम्मद गोरी हार गया। पृथ्वीराज चौहान जीत गया और मोहम्मद गोरी हार गया। अगली जो लड़ाई होता है आपका जो कि कहा जाता है, इस लड़ाई में आपका तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान इतनी बुरी तरीके से मोहम्मद गोरी को हराता है, है ना। लेकिन भारतीय शासक जो कहा जाता है, जो भी युद्ध लड़ते हैं वो नियम पद्धति के द्वारा लड़ते हैं। जब ये हार करके पीठ दिखा करके भाग रहा था तो इसे माफ कर दिया पृथ्वीराज चौहान। और यही पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी और बड़ी भूल कहा जाता है या माना जाता है, ठीक है। फिर जब ये भाग करके जा रहा था तो वहां पर देखिए इनके सैनिकों ने पकड़ करके लाया और इसके दरबार में पेश किया। और दरबार में पेश किया, काफी ये देखिए दीनहीन अवस्था में ये था और सिक्कड़ में जंजीरों में बंधा हुआ था। और इसे देख करके पृथ्वीराज चौहान को काफी ममता लगा, प्लस से देखिए आपका ये कुरान का वास्ता दे करके, इस्लाम का वास्ता दे करके कसम खाया कि अब कभी हम भारत पर आक्रमण नहीं करेंगे। और ये देख करके ये पृथ्वीराज चौहान ने माफ कर दिया, और यही सबसे बड़ी इसकी गलती होगा। फिर आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे जब ये मोहम्मद गोरी हार करके जाएगा, हार के जाने के बाद कहा जाता है एक साल तक ये हार के अपमान में घुटता रहा, एक साल तक ये घुटता रहा, एक साल तक अपने पत्नी का चेहरा नहीं देखता है, एक साल तक ये नहाता नहीं है, एक साल तक ये कपड़ा नहीं बदलता है। जिस अवस्था में जाता है उसी अवस्था में ये बना रहता है, और बस इसके सर पे एक ही भूत सवार होता है, एक ही आपका जो कि लक्ष्य इसको होता है, पृथ्वीराज चौहान को हराना। अब इधर पृथ्वीराज चौहान अपने भोग विलास में लगा हुआ है, अपना वो प्रैक्टिस कर नहीं रहा है। अब ये चीजें जो कि इधर अपने जो इसको कमजोर था उन पे जो कि प्रैक्टिस कर करके, उन हथियारों पे प्रैक्टिस करके अपनी चीजों को मजबूत करने का काम करेगा। और इधर जो कि पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है शब्द भेदी बांध चलाना जानता था। इतिहास में दो ही शासक हुए, एक भगवान श्री राम के पिता दशरथ और एक है जो कि पृथ्वीराज चौहान, ये दो ही लोग है जो कि शब्द भेदी बांध चलाना जानता था, ठीक है। तो आपका जो कि हालांकि पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो काफी डिटेल से है, इसकी लव स्टोरी सुनाएंगे वहां पे, ठीक है। तो ये पृथ्वीराज चौहान आपका है कि इधर अपनी शक्तियों में उतना नहीं, बस ये प्यार मोहब्बत में, संयुक्तता से प्यार मोहब्बत में लग गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि द्वितीय तराइन का युद्ध जो होगा, द्वितीय तराइन का युद्ध 1192 में,
और ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद को गोली के बीच में, और इसमें पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह से हारेगा और मोहम्मद गोरी आपका ये कि जीत जाएगा, मोहम्मद गोरी इसमें आपका जीत जाएगा और पृथ्वीराज चौहान हार जाएगा। हालांकि और इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे, वहां पर बताएंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में, अभी आप ये जानिए। ठीक है, अब ये हार जाएगा। इसके बाद अब ये जो बुलाया था जयचंद, इसे लगा था कि आक्रमणकारी है, आएगा और मेरे अपमान का बदला लेकर के ये चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। मोहम्मद गोरी भारत में रहने का निर्णय ले लिया। अब ये निर्णय लिया तब दोनों में खटर पुटर होने लगा, अब दोनों में जैसे कि बात विवाद होने लगा। अब ये बात विवाद युद्ध तक पहुंच गया और युद्ध हुआ, ये युद्ध हुआ चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ और ये युद्ध आपका जैसे कि मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था, है ना। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में, जयचंद की पुत्री है उसका नाम है संजोगिता, और संजोगिता के कारण ही है जैसे कि भारत का पतन हुआ। ठीक है, अब संयुक्ता कैसे क्या हुआ वो बताएंगे अगले वीडियो में, है ना। तो ये रहा भारत पे जैसे कि मोहम्मद गोरी का आक्रमण आपका जैसे कि, ठीक है।